रूबी में कंट्रोल स्टेटमेंट्स के स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में हम निम्न उपयोग करना सीखेंगे: इफ स्टेटमेंट, एल्स इफ स्टेटमेंट, एल्स केस स्टेटमेंट। यहां हम उपयोग कर रहे हैं उबंटू वर्जन 12.04, रूबी 1.9.3। इस ट्यूटोरियल के अनुकरण के लिए आपके पास इंटरनेट कनेक्शन होना आवश्यक है। आपको लिनक्स कमांड्स, टर्मिनल और टेक्स्ट एडिटर का ज्ञान होना जरूरी है। यदि नहीं, तो संबंधित ट्यूटोरियल्स के लिए कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएं। शुरू करने से पहले याद रखें कि हमने पहले TTT डायरेक्टरी बनाई थी। उस डायरेक्टरी पर जाते हैं और फिर ruby-tutorial-control-statements। अब हम उस फोल्डर में हैं, आगे बढ़ते हैं। रूबी में इफ स्टेटमेंट का रचनाक्रम निम्न प्रकार दिया है: इफ कंडीशन, रूबी कोड, एंड। एक उदाहरण देखते हैं। gedit में एक नई फाइल बनाएं, जैसे शुरुआती रूबी ट्यूटोरियल्स में प्रदर्शित है। इसे if-statement.rb नाम दें। मेरे पास इफ स्टेटमेंट का एक कार्यकारी उदाहरण है। इसको पूरा करते समय ट्यूटोरियल को बीच में रोक सकते हैं और कोड टाइप करें। मैंने इस उदाहरण में एक इफ स्टेटमेंट घोषित किया है। पहले मैं एक लोकल वेरिएबल my_num घोषित करती हूं और इसको 2345 वैल्यू देती हूं। फिर एक इफ स्टेटमेंट घोषित करती हूं। इफ स्टेटमेंट में puts मेथड घोषित हुआ आउटपुट प्रदर्शित करेगा। अगर my_num की वैल्यू 0 से बड़ी है, तो इस स्टेटमेंट इसे जांचेगा। अगर ऐसा है, तो यह वो निर्दिष्ट स्ट्रिंग प्रिंट करेगा। अब टर्मिनल पर जाएं और टाइप करें ruby-if-statement.rb। The value of my_num is greater than 0। आउटपुट प्रदर्शित होगा। यह आउटपुट सिद्ध करता है कि if कंडीशन फिर से ट्रू हुई है। अब आप रूबी में if स्टेटमेंट लिखने के लिए सक्षम होने चाहिए। अब आगे if else स्टेटमेंट देखते हैं। else उपयोग करने के लिए रचनाक्रम है: if कंडीशन, रूबी कोड, else, रूबी कोड, एंड। एक उदाहरण पर देखते हैं। gedit में एक नई फाइल बनाएं, जैसे शुरुआती रूबी ट्यूटोरियल्स में प्रदर्शित है। इसे if-else-statement.rb नाम दें। मेरे पास if else स्टेटमेंट का कार्यकारी उदाहरण है। इसको पूरा करते समय ट्यूटोरियल को बीच में रोक सकते हैं और कोड टाइप करें। मैंने इस उदाहरण में एक if else स्टेटमेंट घोषित किया है। पहले मैं एक लोकल वेरिएबल my_num घोषित करती हूं और इसको -1 वैल्यू देती हूं। फिर मैं एक if स्टेटमेंट घोषित करती हूं। if स्टेटमेंट my_num की वैल्यू अगर 0 से बड़ी है, तो जांचेगा। अगर ऐसा है, तो यह वो निर्दिष्ट स्ट्रिंग प्रिंट करेगा। यदि नहीं, तो else स्टेटमेंट पर जाएं और यह उस स्ट्रिंग को प्रिंट करेगा जो वहां निर्दिष्ट है। अब टर्मिनल पर जाते हैं और टाइप करें ruby-if-else-statement.rb और आउटपुट देखते हैं। The value of my_num is lesser than 0। आउटपुट प्रदर्शित होगा। यह निष्पादित किया हुआ else स्टेटमेंट दिखाता है। अब आप रूबी में if else स्टेटमेंट लिखने के लिए सक्षम होने चाहिए। अब आगे if else if स्टेटमेंट देखते हैं। else if उपयोग करने के लिए रचनाक्रम है: if कंडीशन, रूबी कोड, else if कंडीशन, रूबी कोड, else, रूबी कोड, एंड। एक उदाहरण देखते हैं। gedit में एक नई फाइल बनाएं, जैसे शुरुआती रूबी ट्यूटोरियल्स में प्रदर्शित है। इसे if-else-if-statement.rb नाम दें। मेरे पास if else if स्टेटमेंट का कार्यकारी उदाहरण है। इसको पूरा करते समय ट्यूटोरियल को बीच में रोक सकते हैं और कोड टाइप करें। मैंने इस उदाहरण में एक if else if स्टेटमेंट घोषित किया है। यहां भी मैं एक लोकल वेरिएबल my_num घोषित करती हूं और इसको -1 वैल्यू देती हूं। फिर मैं एक if स्टेटमेंट घोषित करती हूं। if स्टेटमेंट my_num की वैल्यू अगर 0 से बड़ी है, तो जांचेगा। अगर ऐसा है, तो यह वो निर्दिष्ट स्ट्रिंग प्रिंट करेगा। अगर यह ट्रू नहीं है, तो इसे else if सेक्शन में जाना होगा। अब यदि my_num की वैल्यू -1 है, तो यह जांचेगा। अगर यह ट्रू है, तो यह उस स्ट्रिंग की वैल्यू प्रिंट करेगा जो वहां निर्दिष्ट है। my_num की वैल्यू ना तो 0 से बड़ी है
और ना ही minus 1 के बराबर है, तो इसे else सेक्शन में जाना होगा। लेकिन चूंकि my num की वैल्यू minus 1 है, तो यह else ब्लॉक में आगे नहीं बढ़ेगा और ये कंडीशनल स्टेटमेंट से बाहर जाएगा। अब टर्मिनल पर जाएं और टाइप करें ruby space if hyphen else if hyphen statement dot rb और आउटपुट देखें। The value of my num is minus 1 and is lesser than 0. आउटपुट प्रदर्शित होगा। वापस अपनी फाइल पर जाते हैं और my num की वैल्यू को 5 से बदलते हैं। कोड को सेव करें और इसको टर्मिनल पर निष्पादित करें। अतः अब यह if कंडीशन को पूरा करता है और वो निर्दिष्ट स्ट्रिंग प्रिंट हुई है। my num की वैल्यू 0 से बड़ी है। अपनी फाइल पर वापस आते हैं और my num की वैल्यू को -5 से बदलते हैं। कोड को सेव करें और इसको टर्मिनल पर निष्पादित करें। इस स्थिति में यह else कंडीशन को पूरा करता है और else ब्लॉक के अंदर puts स्टेटमेंट निष्पादित होता है। अब आप ruby में if else if स्टेटमेंट लिखने के लिए सक्षम होने चाहिए। अब आगे case स्टेटमेंट देखते हैं। केस स्टेटमेंट एक विशेष सिलेक्शन पर आधारित कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट है। इस स्टेटमेंट को समझने के लिए हम केस स्टेटमेंट का रचनाक्रम देखते हैं। केस उपयोग करने के लिए रचनाक्रम केस वेरिएबल व्हेन वैल्यू 1 रूबी कोड, व्हेन वैल्यू 2 रूबी कोड, एल्स रूबी कोड, एंड। अब एक उदाहरण देखते हैं। gedit में एक नई फाइल बनाएं जैसा ruby के प्रारंभिक स्तर के ट्यूटोरियल्स में दिखाया गया है। इसको case-statement.rb नाम दें। मेरे पास case स्टेटमेंट का एक कार्यकारी उदाहरण है। इसको पूरा करते समय ट्यूटोरियल को बीच में रोक सकते हैं और कोड टाइप करें। इस उदाहरण में मैंने एक case स्टेटमेंट घोषित किया है। यहां मेरे पास एक प्रिंट स्टेटमेंट है जो टर्मिनल पर एक प्रश्न प्रिंट करेगा। फिर मैं gets को कॉल करती हूं जो मानक इनपुट से डेटा के सिंगल लाइन को स्वीकार करेगा। फिर मैं chomp उपयोग करके इनपुट डेटा के न्यू लाइन कैरेक्टर्स को काटती हूं। मैं परिणाम डोमेन नामक वेरिएबल को देती हूं। फिर मैं एक केस स्टेटमेंट घोषित करती हूं। इसके अंदर मैं एक when स्टेटमेंट घोषित करती हूं। यह जांचता है कि वो निर्दिष्ट स्ट्रिंग डोमेन की वैल्यू के समान है या नहीं। पहले यह जांचता है कि डोमेन की वैल्यू यूपी है या नहीं। अगर ऐसा है तो यह उत्तर प्रदेश प्रिंट करेगा और केस स्टेटमेंट छोड़ दें। अगर डोमेन यूपी नहीं है तो यह जांचता है कि डोमेन की वैल्यू एमपी है या नहीं। यदि ऐसा है तो यह मध्य प्रदेश प्रिंट करेगा और ऐसा ही चलेगा। अगर दूर तक कोई मानता नहीं थी तो यह डोमेन की वैल्यू जांचता रहेगा। इस पॉइंट पर यह else स्टेटमेंट का सामना करेगा। अगर उपरोक्त कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं थी, यह ruby कोड को निष्पादित करेगा जो else घोषणा का पालन करता है। हमारे उदाहरण की तरह यह unknown प्रिंट करेगा। अब फाइल सेव करें, टर्मिनल पर जाएं और टाइप करें ruby space case hyphen statement.rb। Enter the state you live in टर्मिनल पर प्रदर्शित होगा। टाइप करें यूपी में और आउटपुट देखते हैं। आउटपुट प्रदर्शित होगा उत्तर प्रदेश। आगे पहले की तरह ही ruby फाइल को फिर से निष्पादित करें। इस समय प्रॉम्प्ट पर टाइप करें KL और आउटपुट देखते हैं। यह केरला प्रिंट करेगा। आगे एक बार फिर फाइल को निष्पादित करें। इस समय प्रॉम्प्ट पर टाइप करें TN और आउटपुट देखते हैं। यह अननोन प्रिंट करेगा। यह इसलिए है क्योंकि कोई भी केस संतुष्ट नहीं हुआ था, अतः डिफॉल्ट else स्टेटमेंट निष्पादित हुआ है। आप ruby में अपना केस स्टेटमेंट्स लिखने के लिए सक्षम होने चाहिए। यह आपको इस ट्यूटोरियल के अंत में लाता है। इसको सारांशित करते हैं। इस ट्यूटोरियल में हमने उपयोग करना सीखा if स्टेटमेंट, else कंस्ट्रक्ट, if else if और केस स्टेटमेंट्स। नियत कार्य के रूप में ruby प्रोग्राम लिखें। यह यूजर को एक नंबर एंटर करने को कहता है। फिर उपयुक्त कंट्रोल स्टेटमेंट उपयोग करें। अगर नंबर 2 का गुणज है तो इसे जांचें। यदि ऐसा है तो प्रिंट करें the number entered is multiple of 2। यदि नहीं तो जांचें कि यह 3 का गुणज होना चाहिए। यदि ऐसा है तो प्रिंट करें the number entered is a multiple of 3। यदि नहीं तो जांचें
कि यह 4 का गुणज होना चाहिए। यदि ऐसा है तो प्रिंट करें The number entered is a multiple of 4। यदि नहीं तो यह प्रिंट करना चाहिए The number is not a multiple of 2, 3 और 4। निम्न लिंक पर उपलब्ध वीडियो देखें। यह स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट को सारांशित करता है। अच्छी बैंडविड्थ ना मिलने पर आप इसको डाउनलोड करके देख सकते हैं। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टीम स्पोकन ट्यूटोरियल्स का उपयोग करके कार्यशालाएं चलाती है। ऑनलाइन टेस्ट पास करने वालों को प्रमाण पत्र देते हैं। अधिक जानकारी के लिए कृपया contact@spoken-tutorial.org को लिखें। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टॉक टू अ टीचर प्रोजेक्ट का हिस्सा है। यह भारत सरकार के MHRD के ICT के माध्यम से राष्ट्रीय साक्षरता मिशन द्वारा समर्थित है। इस मिशन पर अधिक जानकारी spoken-tutorial.org/nmeict-intro पर उपलब्ध है। IIT बॉम्बे से मैं श्रुति आर्य आपसे विदा लेती हूँ। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।